सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने ईडी के कारनामों का और ईडी कैसे जबरन गन पॉइंट पे प्रताड़ित करके, मारपीट करके, कान के पर्दे फाड़ के बयान ले रही है, इसकी सिलसिलेवार डिटेल आपके सामने रखी थी। आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाला है और पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि ईडी वास्तव में झूठे, बेबुनियाद, बिना सिर पैर के केस बनाने पे लगी हुई है। कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई बयान नहीं, झूठे केस बनाओ, झूठे केस दर्ज करो। पिछले कई दिनों से बार बार मीडिया में ईडी के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है। मैं बड़ा परेशान था, कई रात सो नहीं पाया, पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया, पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से अपना जीवन बिताता हूं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि जिस आबकारी नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसमें ईडी बार बार मेरा नाम क्यों ले रही है? अखबारों में, मीडिया में, टीवी चैनल पे खबरें क्यों प्लांट की जा रही हैं? जब खबर चली मीडिया में, मैंने जानकारी ली तो पता चला ईडी की चार सीट में मेरा नाम है। मैंने चार सीट खोजी, चार सीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये ईडी की चार सीट है, ईडी की चार सीट। इस चार सीट में कहा गया है कि 1/10/2022 को दिनेश अरोड़ा ने यह बताया कि अमित अरोड़ा की एक दुकान का ट्रांसफर, अमित अरोड़ा की एक दुकान का, शराब की दुकान का ट्रांसफर संजय सिंह के डायरेक्शन पर मनीष सिसोदिया ने किया। अब पहला सवाल होता है कि संजय सिंह कौन होते हैं डायरेक्शन देने वाले, लेकिन इस स्टेटमेंट में लिखा गया, इस चार्जशीट में लिखा गया कि दिनेश अरोड़ा ने ऐसा बताया कि अमित अरोड़ा की शराब की दुकान संजय सिंह के डायरेक्शन पर मनीष सिसोदिया ने ट्रांसफर की। इसका आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। इस अमित अरोड़ा की कोई शराब की दुकान है जिसके ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, लीकर पॉलिसी के पहले का मामला बताया जा रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, यह कौन कह रहा है? ईडी कह रहा है। कहां कह रहा है? अपनी चार्जशीट में कह रहा है। कब कह रहा है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को, यह तारीख याद रखिएगा, 6 जनवरी को जब ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल करता है तो उस चार्जशीट में मेरा नाम लिखता है कि मेरे डायरेक्शन पर मनीष सिसोदिया ने अमित अरोड़ा की शराब की दुकान ट्रांसफर की। अब आगे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और एक एक कागजात पढ़िएगा कि किस तरीके से एक फर्जी, एक झूठी चार्जशीट, क्योंकि मैं अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए कैसे यह झूठा मामला बनाया गया। अब दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको। यह है दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट जो ईडी ने दर्ज किया। यह चार्जशीट है 6 जनवरी वाली और यह दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि एक्साइज कमिश्नर राहुल सिंह ने रूटीन वे में
अमित अरोड़ा की दुकान का ट्रांसफर किया। इसमें संजय सिंह के नाम का कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं। ईडी ने खुद जो 50 में बयान लिया दिनेश अरोड़ा का, उसमें संजय सिंह के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं। यह भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। यह कब लिया गया? यह लिया गया 1/10/2022, जो चार्जशीट में डेट लिखी है वही डेट ईडी के द्वारा दर्ज किए गए बयान में लिखी है। अब और मजेदार बात आपको बताता हूं, देखिए कैसे झूठे मामले बना रहे हैं। अब न्यायालय के समक्ष जो सबसे तथ्यपूर्ण और सच्चा बयान माना जाता है, न्यायालय के समक्ष दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया 164 का बयान, वो 164 का बयान क्या कहता है? वो 164 का बयान कहता है कि अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से जब ये ट्रांसफर की बात करी तो दिनेश अरोड़ा लिख रहा है कि मैंने इस बारे में ना डिप्टी सीएम से बात करी ना संजय सिंह से। ये देखिए, ये माननीय न्यायाधीश के सामने दिया गया दिनेश अरोड़ा का बयान है। दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि मैंने इस बारे में ना डिप्टी सीएम से बात करी ना संजय सिंह से, आपके लीडर्स मेरे नॉलेज में लीकर कंजम्पशन के अगेंस्ट हैं। ये जोड़ रहा है, आपके नेता मेरी जानकारी के हिसाब से लीकर कंजम्पशन के अगेंस्ट हैं, ना डिप्टी सीएम पीते हैं ना संजय सिंह। ये बयान पढ़िए आप, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा अभी, देखिए कैसे झूठे केस बनाए। आगे लिख रहा है अमित अरोड़ा, इसको कह रहा है कि नए एक्साइज कमिश्नर आए हैं राहुल सिंह, राहुल सिंह को इस सीट पर मैं लेकर आया हूं, अमित अरोड़ा कह रहा है। और इसने अमित अरोड़ा ने राहुल सिंह से इनकी मुलाकात कराई दिनेश अरोड़ा की, और फिर इसमें आगे तारीख दी हुई है। ये कह रहा है कि जब ये मुझे इंसिस्ट करने लगा कि आप डिप्टी सीएम से बात करिए तो मैंने डिप्टी सीएम से कहा, तो डिप्टी सीएम ने कहा मैं देखता हूं, और 22-23 मार्च को राहुल सिंह का फोन आया कि आपका ट्रांसफर लेटर रूटीन वे में अप्रूव हो गया है, आपका ट्रांसफर लेटर रूटीन वे में यानी कि पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रूव हो गया है। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री से, देश की ईडी से, उन तमाम अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में जब बयान में मेरा नाम नहीं, न्यायालय के सामने दिए गए बयान में मेरा नाम नहीं, ईडी के सामने दिए गए स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो ईडी के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित पीसी कराई गई। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है, रिटायरमेंट की उम्र उनकी 75 साल है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जब तुम लोग फंसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे झूठे और बेबुनियाद काम मत करो, ऐसे फर्जी बदनाम करने की कोशिश मत करो, और इसलिए क्योंकि इस झूठे चार्जशीट के आधार पर मेरे खिलाफ टीवी चैनल पर खबर चली, मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता करी, मेरे खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया ईडी ने, इसलिए ईडी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ, इनके डायरेक्टर
एसके मिश्रा के खिलाफ, इनकी अधिकारी जिसने इस पर दस्तखत किया है भानुप्रिया के खिलाफ, इनका आईओ जुगेंद्र सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, आपराधिक मानहानि का मुकदमा करूंगा, इनको बेनकाब करूंगा। पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। मैंने पूरा जीवन एक फक्कड़ की तरह ईमानदारी से बिताया है, आगे मरते दम तक उसी रास्ते पर चलूंगा। आप ये सब काम कर रहे हो, मैं खुद हैरान था कैसे नाम आ रहे हैं, कैसे कहानियां बनाई जा रही। दिनेश अरोड़ा न्यायालय के सामने बयान नहीं देता, मेरा नाम नहीं लेता। दिनेश अरोड़ा ईडी के सामने नहीं कहता कि मेरे कहने पे कोई लीकर साफ ट्रांसफर हुई, ना न्यायालय के सामने कहता है, बल्कि न्यायालय के सामने तो कह रहा है कि आपके लीडर्स मनीष सिसोदिया संजय सिंह लीकर कंजम्पशन नहीं करते, नहीं पीते, और उसके बाद भी आपने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया। तो डाला क्यों? अब इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं, ये क्यों डाला, ये क्यों दुश्मनी निभाई जा रही मुझसे, ये अब आप देखिए। 12 दिसंबर को करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। ये मेरा संसद में दिया गया भाषण है, कब, इसमें तारीख लिखी हुई है 12 दिसंबर 2022 को। मैंने ईडी के मिसयूज के खिलाफ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में 12 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ईडी 3000 छापेमारी करती है, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है, लोगों को फर्जी फंसा रही है और जेल में डाल रही है, लोगों के घरों पर फर्जी छापेमारी कर रही है और प्रताड़ित कर रही है। यह मामला देश की संसद में मैंने उठाया और भारत की संसद ने मुझे कहा, माननीय सभापति जी ने मुझसे कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लाइए। मुझे प्रिविलेज कमेटी का विशेषाधिकार समिति के द्वारा मुझसे पूछा गया कि जो बातें आप कह रहे हैं उससे संबंधित साक्ष्य लाइए, और आप देखिए आज तो यह लगता है ईडी भारत की संसद से बड़ी हो गई। 12 दिसंबर को मैं बोलता हूं और 6 जनवरी को चार सीट में मेरा नाम शामिल कर दिया जाता है, जबकि 1/10/2022 के बयान में दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया, और उसके पहले जब 164 का उसका न्यायालय के सामने बयान हुआ उसमें भी दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया, बावजूद इसके चार सीट में 6 जनवरी को 12 दिसंबर के इस भाषण के बाद जबरन चार सीट में मेरा नाम शामिल किया जाता है। अब ये देश की संसद में बैठने वाले सांसदों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की संसद से बड़ी हो गई है ईडी। और मैं कहना चाहता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तमाम लोगों से, क्योंकि भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति ने मुझसे कहा है कि जानकारी दीजिए कि ईडी कैसे फर्जी और झूठे मामले बना रहा है। मैं पूरे देश में सुनने वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ ईडी ने फर्जी मामले बनाए हैं, फर्जी मुकदमे बनाए हैं, कृपा करके मुझे जानकारी दीजिए, मैं वो भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने ये पूरा विषय, आपकी पूरी जानकारी, आपके पूरे मामले को रखूंगा। तो ये था मेरा आज का जो खुलासा है वो था। इसमें आपके द्वारा कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। संसद में
देखिए ये भी बड़ी अजीब बात है। अच्छा आपने याद दिलाया, ईडी को मैंने 11 बार मेल की मुलाकात करने के लिए, 11 बार मुलाकात करने के लिए उनसे समय मांगा, अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है समय दे दो, अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है समय दे दो, कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई समय नहीं दिया गया। लास्ट में उनकी तरफ से एक मेल आता है, जवाब आता है कि आप बंद लिफाफे में आकर इसको रिसीव कराइए। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने के जद्दोजहद के बाद ईडी का जो उड़न दस्ता है, जो रात दिन सबके यहां छापेमारी करता रहता है, वो उड़न दस्ता, ईडी का वो उड़न दस्ता 2 महीने से मुझे समय नहीं दे रहा था, 11 मेल किया मुलाकात के लिए समय नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से आज अडानी के महाघोटाले पे 4 एपिसोड जो मैंने आपके सामने रखा था, उसकी शिकायतें रिसीव की गई हैं ईडी में, उसकी शिकायतों को उन्होंने लिया है, उसकी रिसीविंग दी है, और अगर इससे संबंधित वो कोई जांच करेंगे तो उसमें जो भी और तथ्य और जानकारी चाहेंगे वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये है ईडी की रिसीविंग और आज ये ईडी में रिसीव हुआ है। और कोई प्रश्न आपके? एक सवाल सर, विपक्षी एकता के बारे में अभी तक जब अरविंद केजरीवाल से पूछते थे तब उनका कहना था कि कुछ दल साथ आ जाएं केवल हराने के लिए, ये पब्लिक पसंद नहीं करती है, पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए। लेकिन अब कल नीतीश कुमार जी मिले तो विपक्षी एकता पे सहमति जताई और कहा कि हाँ सबको साथ। देखिए विपक्षी एकता पे जो मुद्दे उन्होंने कहा कि भाई इस देश में सबसे महाभ्रष्ट सरकार आजादी के बाद की चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये केजरीवाल जी ने कहा, और कहा कि इसके लिए सारे लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ आना पड़ेगा, बाकी बातें आगे क्या तय होंगी वो समय समय पर आपको बताई जाएंगी। लेकिन कल जो मोटे मोटे तौर पे तय हुआ और बातचीत हुई, उसमें यही सहमति बनी कि भाई अब तक जितने भी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, काला धन का मुद्दा हो, किसानों के फसल के दाम न मिलने का मुद्दा हो, या अग्निवीर का मुद्दा हो, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इतनी लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोगों के बैंक खाली हो रहे हैं, भारत की संपत्तियां बिक रही हैं, इतना लूट और भ्रष्टाचार इस सरकार ने कर रखा है कि भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण हो गया, लाखों करोड़ की लूट हो रही है। आज बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के पीछे कारण है भ्रष्टाचार। तो इसलिए इस मुद्दे पर एकजुटता की बात उन्होंने कही है, विपक्ष के लोगों को एक साथ आने की बात कही। अब जब कुछ बातचीत सार्थक होगी तो आपको जानकारी देंगे। सर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है यूपी में। देखिए अभी मैं जब आ रहा था इस प्रेस वार्ता में तब ये जानकारी मुझे मिली, ये एनकाउंटर कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उसका पूरा पक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को सामने रखना चाहिए। क्या उनके ऊपर फायरिंग हुई, क्या ऐसी इनकाउंटर की परिस्थितियां बनी, ये सारी जानकारी देनी चाहिए उनको। अभी तो मैं प्रेस वार्ता में आया तभी ये जानकारी मुझे मिली है, उसके बाद हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे।